हरियाणा के लाडवा में स्थित मंदिर में माता के पहले नवरात्रे के उपलक्ष्य पर धार्मिक संस्था लक्ष्मणयती दुर्गा सेवा समिति की तरफ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल नगाड़ों के साथ माता की स्थापना की गई। करण नगरी करनाल में नवरात्रों की खूब धूम मची हुई है। करनाल कमेटी चौक पर स्थित मशहूर प्राचीन मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां पर 9 नवरात्रों में लगातार सामूहिक पाठ होता है। शैलपुत्री का आज प्रथम नवरात्र मनाया जाता है। इसमें हर नवरात्र हर महामाई के नाम से मनाए जाते हैं। शैलपुत्री, कात्यायनी, चंद्रघंटा सबके नाम से नवरात्र मनाए जाते हैं। उत्तर कुरुक्षेत्र में भी नवरात्रों के उपलक्ष्य पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी कूप, भद्रकाली मंदिर और बालासुंदरी मंदिरों में श्रद्धालु दूर दूर से मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। प्राचीन माता बालासुंदरी मंदिर में आज प्रथम नवरात्र के दिन भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ यह सिद्ध प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पांडवों ने पूजा अर्चना की है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर के छोटे बड़े सभी मंदिरों में भी नवरात्रों के उपलक्ष्य पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां की भक्ति में काफी शक्ति होती है और जो भक्त मनोकामना लेकर आता है मां का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। विजय देवी वाली मां के मंदिर में दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को मांगने आते हैं और उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। 9 दिन का नवरात्रों में व्रत होगा और 9वें दिन व्रत उनका खुलेगा। शनिवार से माता के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सभी मंदिरों में माता की श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाडवा से मयंक सिंगला, करनाल से कमल मिड्ढा, कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी के लिए।